नमस्कार, उद्देश्य एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 12 एनसीईआरटी चैप्टर 3 आव्यूह को पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं प्रश्नावली 3.1। तो प्रश्न इस प्रश्नावली में पहला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 1 में लिखा है, एक आव्यूह दिया हुआ है। आव्यूह 2, 5, 19, -7, 35, -2, 5/2 और 12, और इसमें करनी 3, 1 -5 और 17, ठीक ना। ये आव्यूह दिया हुआ है, इसमें लिखना है, पहला लिखना है इस आव्यूह की कोटि ज्ञात करनी है, ठीक ना। कोटि क्या होगी, तो इसमें कोटि देखते हैं, कोटि क्या होती है। तो देखिए, सबसे पहले इस आव्यूह में बात करें तो ये वाला, इसको इस तरह जो लिखा है 2, 5, 19, -7, इनको पंक्ति बोलते हैं, ये पंक्ति में है। तो ये पहली पंक्ति है, ठीक ना। इसी प्रकार ये दूसरी पंक्ति, ये दूसरी पंक्ति, ठीक ना, और ये तीसरी पंक्ति। तो ये तीन पंक्तियों वाला आव्यूह है, ठीक। और अगर ऊपर से नीचे देखें 2, 35, करनी 3, तो ये स्तंभ कहलाते हैं, स्तंभ हो गए, ठीक ना। तो पंक्ति को इंग्लिश में रो बोलते हैं, ठीक ना, रो, और इसको कॉलम, ठीक ना। तो स्तंभ, ये पहला स्तंभ है, इसी प्रकार ये दूसरा स्तंभ है, और ये तीसरा, और ये चौथा, ठीक ना। तो इस प्रकार ये आव्यूह 3 पंक्तियों वाला और 4 स्तंभों वाला ये आव्यूह है। तो अगर इसकी कोटि की बात करें तो लिखते हैं कोटि। तो कोटि को पहले, सबसे पहले इसमें जितनी भी पंक्तियां हैं उनको गिन के लिखते हैं, 1, 2, 3, 3 गुणे, और स्तंभ कितने हैं, 1, 2, 3, 4। तो ये कोटि ज्ञात हो गई, ठीक ना। तो सबसे बिल्कुल हमेशा याद रखिएगा, कोटि के को लिखने के लिए पहले यहाँ पर पंक्तियों की संख्या लिखी जाती है और यहाँ पर स्तंभों की संख्या ज्ञात लिखी जाती है। तो पहला प्रश्न का पहला क्वेश्चन हल हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, इसमें लिखा है कितने अवयव हैं, सभी अवयव, कुल अवयवों की संख्या ज्ञात करनी है। तो कुल अवयव की संख्या कैसे ज्ञात करनी है, लिखते हैं, चूंकि आव्यूह की कोटि, आव्यूह की कोटि 3 × 4 है, ठीक ना। तो अवयवों की संख्या कितनी हो जाएगी, अवयवों की संख्या 3 × 4 = 12 हो गया, ठीक ना। अगर कोटि ज्ञात है तो उसका गुणा कर लेंगे तो ये आंसर हो जाता है। थर्ड प्रश्न, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें अवयवों की संख्या, अवयवों को लिखना है। थर्ड में लिखा है, देखिए अगर ये प्रश्न कर रहे हैं, जैसे प्रश्नावली 3.1 है, तो आप इस वीडियो को देखते समय आप अपनी किताब खोल के रखिए और जो प्रश्न है आप क्वेश्चन मिलाकर इसको देखते चलिए, उसमें क्या क्वेश्चन लिखा हुआ है, तो इससे आपको ज़्यादा सहूलियत हो जाएगी, ठीक ना। इसमें पूरा प्रश्न लिखना संभव नहीं है, बस ये मैंने एक आव्यूह लिख दिया, इसमें आप क्या क्या क्वेश्चन है आप बुक रखे रहेंगे और इस वीडियो को देखेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक ना। A13, A21, A33, A24 और A23,
ठीक ना, A13, A21, A33, A24, A23। इसका मतलब देखिए, हमको ऐसा अवयव ज्ञात करना है जो पहली पंक्ति में और तीसरे स्तंभ में हो, ठीक ना। तो पहली पंक्ति और तीसरा स्तंभ होना चाहिए। ये पहले वाले पंक्ति को दिखाता है और दूसरा ये वाला स्तंभ को दिखाता है। तो पहली पंक्ति ये रही और तीसरा स्तंभ 1, 2, 3, ये तीसरा स्तंभ, तो ये 19 आंसर आया। तो इसका उत्तर 19, ठीक। और इसका देखते हैं, ये है दूसरी पंक्ति प्रथम स्तंभ, तो दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तो दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ ये हुआ, इसका उत्तर 35 हो गया। A33 तीसरी, मतलब तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, 1, 2, 3 तीसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ, तो ये -5 हो गया, ये -5, ठीक ना, तीसरा ये हो गया। A24 दूसरी पंक्ति चौथा स्तंभ, 1, 2, 3, 4 तो दूसरी पंक्ति पर चौथा स्तंभ पर ये 12 आया उत्तर। इसी प्रकार A23, 2 और 3 तो 5/2 आ गया, ठीक ना। दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, ये 5/2 हो गया। इस प्रकार प्रश्न नंबर 1 हो गया। प्रश्न नंबर 2 देखते हैं क्या लिखा है इसमें। तो प्रश्न नंबर 2 में लिखा है, एक 24 अवयव वाला एक अवयव है, इसकी सभी संभव कोटियां ज्ञात करनी है। और इसी प्रकार एक क्वेश्चन और है इसमें कि यदि 13 अवयव हों तो ऐसे अवयव की सभी कोटियां, सभी संभव कोटियां ज्ञात कीजिए। तो हम इसको देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 बोला 24 अवयव हैं, तो 24 अवयव हैं, इनका सभी संभव कोटि ज्ञात करनी है। तो देखिए, इसके पहले बताया, जैसे अगर कोई किसी अवयव की कोटि यदि यम गुणे यन है, तो इसमें अवयवों की संख्या कितनी होती है, अवयवों की संख्या यमयन होगी, ठीक ना। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं इसमें, यदि कोई अवयव की कोटि 2 × 3 है, तो अवयवों की संख्या कितनी हो जाती है, अवयवों की संख्या 2 × 3 = 6 होती है, ठीक ना। तो इसका मतलब अगर यह 6 अवयव वाला अवयव है तो उसकी एक कोटि, एक संभव कोटि तो 2 × 3 है। इसी तरह और भी कई कोटि हो सकती है, तो 1 × 6 भी हो सकती है, 6 × 1 भी हो सकता है, 3 × 2 भी हो सकता है। इनमें से सभी संभव कोटियां में से एक कोटि तो ये हो गई 2 × 6। इसी प्रकार हमको दिया है 24 अवयव दिया है, तो क्या करेंगे, इसके सभी संभव गुणनखंड कर लेंगे, वही अवयव की सभी संभव कोटियां हो जाएगा। तो देखते हैं इस 24 को कितने प्रकार से गुणनखंड किया जा सकता है। लिखेंगे सभी संभव कोटियां, देखिए कौन सी होगी, 1 × 24 है ना, 24 × 1 = 24, या 24 × 1 ले सकते हैं। इसी प्रकार 2 × 12, तो 12 × 24 भी ले सकते हैं। इसी प्रकार 3 × 12 = 24, और 3 × 5 में कितना, 3 × 8 = 24, तो ये 8 × 3 हो गया। फिर 4 × 6 = 24, तो ये हो गया 6 × 24, ठीक ना। ये हो गया सभी संभव कोटि, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। इस 24 अवयव वाले एक अवयव की सभी संभव कोटियाँ ये हो गई। इसी प्रकार एक प्रश्न दिया 13 अवयव वाला, तो 13 अवयव वाला देखते हैं। 13 अवयव वाले अवयव की संभव कोटि कितनी जाएगी, 1 × 13 और 13 × 1, ठीक ना।
इस अधिक कोई गुणनखंड नहीं हो सकता। तो ये हो गया प्रश्न नंबर दो हो गया। प्रश्न नंबर तीन देखते हैं। प्रश्न नंबर तीन में भी यही क्वेश्चन है, 18 अवयव दिया है और एक नेक्स्ट क्वेश्चन में 5 अवयव दिया है। तो 18 अवयव वाला देखते हैं पहले। प्रश्न नंबर तीन, प्रश्न नंबर तीन, तो 18 अवयव, पहला 18 अवयव दिए हैं अवयव, तो 18 का सबसे पहले गुणनखंड कर लेते हैं, जितनी प्रकाश होता था 1 × 18 लिख लेते हैं, सभी संभव कोटियां 1 × 18 या 18 × 1, 2 × 9 या 9 × 2, 3 × 6 या 6 × 3। देखिए जब ये 3 × 6 और ये 6 × 3, ठीक है, ये इसी का पलट गया, ये 3 × 6 और 6 × 3 आ गया, तब इसके आगे कोई संभव कोटि नहीं प्राप्त होगी। तो ये कुल 6 संभव कोटियाँ हो गई। अब इसके बाद दिया है 5 अवयव वाले, तो 5 अवयव वाले ऐसे अवयव की सभी संभव कोटि ज्ञात करनी है, तो इसका गुणनखंड केवल 1 × 5 और 5 × 1 हो सकता है। इस प्रकार प्रश्न नंबर 3 हो गया। प्रश्न नंबर 4 देखते हैं क्या है। प्रश्न नंबर 4 में लिखा है कि 2 × 2 कोटि का एक अवयव बनाइए, इसमें एक अवयव का ये दे रखा है फॉर्मूला AIJ, और इसमें दिया है पहला क्वेश्चन AIJ बराबर i+j/2/2। तो हमको 2 × 2 का एक अवयव बनाना है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं a11 a12 a21 और a22, ठीक ना। ये पहली पंक्ति पहला स्तंभ का अवयव है, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ का अवयव है, इसी प्रकार ये और ये ये दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ का अवयव है, ठीक ना। तो हमको पहले A11 ज्ञात करना है, तो लिखते हैं यहाँ A11, तो मतलब I का मान 1 और J का मान 1, तो यहाँ पर हम 1 रखते हैं, 1+1/2, तो इसको लिखेंगे 1 1 2 का स्क्वायर बटे 2, तो 2 का स्क्वायर 2 4/2 कैंसिल होगा, 2 1 कम 2 2 नहीं, तो ये 2 आ गया। इसी प्रकार यहाँ पे लिखेंगे A12, इसका मतलब I का मान 1 और J का मान 2 रखना है, तो I का मान 1 और J का मान 2 का स्क्वायर बटे 2, 2 और 1 3, 3 का वर्ग 9, तो 9/2 हो गया। इसी प्रकार A21 ज्ञात करेंगे, तो I का मान 2 और J का मान 1/2, तो हो गया 2 3, 3 का वर्ग 9/2। इसी प्रकार A22 मतलब I का भी मान 1 और 2 और J का मान भी 2, तो 2+2 का वर्ग/2, तो 2 2 4, 4 का स्क्वायर 16/2, 2 1 कम 2 8 16, तो इसका मान जो आया हम यहाँ रख देंगे, तो हमको अभीष्ट अवयव ज्ञात हो जाएगा। तो A बराबर A11 पर क्या है 2, A12 पर क्या है 9/2, और यहाँ भी 9/2 है, लिख लेते हैं 9/2 और ये 8। इस प्रकार ये पहला प्रश्न नंबर 4 का पहला हो गया। सेकंड में क्या लिखा है, सेकंड AIJ = I/J लिखा हुआ है, तो इसमें पहले निकालेंगे A11, तो 1/1 = 1, फिर A12, I का मान 1 और J का मान 2, I का मान 1 और J का मान 2, 1/2 हो गया। A21, तो I का मान 2, J का मान 1 = 2, A22, तो हो गया 2/2,
कैंसिल हो गया तो ये एक आया, तो इसका आंसर कितना आया, ए बराबर एक दो, अच्छा ये एक बटे दो है, एक बटे दो और ये दो और ये एक, ठीक ना। तो ये हो गया। अब क्वेश्चन, थर्ड, ए आई जे बराबर आई प्लस टू जे के घात दो बटे दो, ठीक ना। तो इसको देखते हैं, यहाँ आई जे ए वन वन निकालते हैं, ए वन वन बराबर एक प्लस दो गुणे एक के घात दो बटे दो। तो इसको हल करेंगे तो दो एक कम दो, दो और एक तीन, तीन का स्क्वायर बटे दो मतलब नौ बटे दो, दो एक कम दो, दो एक तीन, तीन का वर्ग नौ, नौ बटे दो। ए वन टू, तो आई का मान वन और जे का मान टू के घात दो बटे दो, जगह दो दूनी चार, चार एक पाँच, पाँच पचे पच्चीस, तो हो गया पच्चीस बटे दो। इसी प्रकार ए टू वन, तो आई का मान टू और जे का मान एक बटे दो बराबर, देखिए दो एक कम दो, दो दो चार, चार का स्क्वायर बटे दो, चार चौक सोलह बटे दो, तो कैंसिल हो जाएगा तो ये आठ हो गया। और एक बचा ए टू टू, तो ए टू टू तो मतलब आई का मान टू और जे का मान भी टू बटे दो, तो जाएगा दो दूनी चार, चार दो छः, छः का स्क्वायर बटे दो बराबर छत्तीस बटे दो, कटेगा तो ये अठारह आ गया। तो ये अपना आंसर आ गया, ए वन वन नौ बटे दो, ए वन टू पच्चीस बटे दो और इसका आठ और इसका अठारह, ठीक ना। इसका आंसर चेक कर लेते हैं, नौ बटे दो, पच्चीस बटे दो, आठ अठारह, ठीक ना, ये प्रश्न नंबर। अब क्वेश्चन नंबर फोर हो गया, क्वेश्चन नंबर फाइव देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फाइव में बनाना है तीन गुणे चार का एक अवयव बनाना है जिसके अवयव दिए हुए हैं, ठीक ना। तो इसको देखते हैं, एक प्रश्न नंबर चार हो गया, प्रश्न नंबर पांच देखते हैं। प्रश्न नंबर पांच में तीन गुणे चार का अवयव बनाना है, ठीक ना। तो ये हो जाएगा, इसको ए मान लेते हैं, ए बराबर तीन गुणे चार मतलब तीन रो होनी चाहिए और चार कॉलम होना चाहिए, ठीक ना। लिखेंगे ए वन वन, ए वन टू, ए वन थ्री, ए वन फोर, ठीक ना। फिर यहाँ लिखेंगे ए टू वन, ए टू टू, ए टू थ्री और ए टू फोर, फिर ए थ्री वन, ए थ्री टू, ए थ्री थ्री, ए थ्री फोर, तो इतने सारे अवयव इसके ज्ञात करने होंगे, ठीक ना। तो पहला प्रश्न देखते हैं, पहला है ए आई जे बराबर एक बटे दो मॉड माइनस थ्री आई प्लस जे का मॉड, ठीक ना। ये वन टू थ्री, वन वन टू 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 थ्री थ्री थ्री, वन टू थ्री फोर, ठीक। तो अब इसको ज्ञात करते हैं, तो पहले ए वन वन निकालते हैं, ए वन वन तो ये जाएगा एक बटे दो और यहाँ तीन एक कम तीन, यहाँ आई का मान और जे का मान दोनों वन वन है, वन लिख लिए, तो एक बटे दो, देखिए तीन एक कम तीन और प्लस वन, ठीक ना। तो ये आ जाएगा एक बटे दो
यहाँ लिख लेते हैं, तीन में से एक गया तो माइनस टू, ठीक ना। तो ये माइनस टू मॉड होने के कारण माइनस टू का प्लस टू हो जाएगा, तो एक बटे दो गुणे दो तो बराबर एक आ गया, ठीक ना। इस मॉड का मतलब होता है कि जो भी इसके अंदर होगा वो अगर माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा और प्लस में है तो प्लस ही रहेगा। फिर ए वन टू निकालते हैं, ए वन टू बराबर एक बटे दो माइनस तीन गुणे ए का मान, आई का मान वन है और जे का मान टू है, बराबर एक बटे दो, देखिए तीन एक कम तीन प्लस दो, तो ये जाएगा तीन में से दो गया माइनस वन, माइनस वन का मॉड होने कारण प्लस वन हो जाएगा, तो ये प्लस वन हो गया, तो ये हो जाएगा एक बटे दो हो गया। इसी प्रकार ये वन थ्री, ठीक ना, तो ए एक बटे दो माइनस तीन गुणे एक प्लस जे का मान तीन है, एक बटे दो तीन एक कम तीन प्लस तीन बराबर ये तीन तीन जीरो, एक बटे दो गुणे जीरो बराबर जीरो हो गया। अब ए वन फोर ज्ञात करते हैं, तो एक बटे दो माइनस तीन एक कम तीन प्लस चार, एक बटे दो तीन एक कम तीन प्लस चार, एक बटे दो चार में तीन गया एक बराबर एक बटे दो हो गया। तो इतने ये आ गया, यहाँ मैं लिखते चल रहा हूँ, इसको मिटाना होगा। तो ये आ गया एक, यहाँ एक बटे दो शून्य और एक बटे दो हो गया, ठीक ना। फिर ए टू वन देखते हैं, एक बटे दो माइनस तीन गुणे आई का मान दो और जे का मान एक है, तो हो गया तीन दूनी छ प्लस वन, ठीक ना। छ में एक गया तो माइनस फाइव, देखिए माइनस फाइव है, माइनस फाइव जब मॉड से बाहर निकलेगा तो प्लस फाइव हो जाएगा, तो जाएगा पाँच बटे दो। फिर ए टू टू देखते हैं, एक बटे दो तीन गुणे दो प्लस दो, तो तीन दूनी छः प्लस दो, ये हो गया छः में दो गया चार, तो माइनस में चार, अब मॉड है तो प्लस चार हो जाएगा, ये दो हो गया। फिर ए टू थ्री ज्ञात करते हैं, एक बटे दो माइनस तीन गुणे दो प्लस तीन बराबर एक बटे दो, तीन दूनी छः प्लस तीन बराबर, देखिए माइनस सिक्स प्लस थ्री माइनस थ्री आएगा, तो माइनस थ्री मॉड है तो प्लस थ्री हो जाएगा, तो थ्री, तो हो गया तीन बटे दो हो गया। ए टू फोर, एक बटे दो माइनस तीन गुणे दो प्लस चार बराबर एक बटे दो, तीन दूनी छः प्लस चार बराबर एक बटे दो, देखिए छः में चार गया माइनस दो, अब मॉड है तो प्लस दो हो जाएगा, तो दो एक कम दो, दो एक कम दो बराबर एक, ये हो गया, ये लाइन हो गई पूरी, ठीक ना, टू फोर तक हो गया। इसको भी यहाँ लिख लेते हैं, ए टू वन पाँच बटे दो, ये दो और ये तीन बटे दो और ये एक हो गया। अब इसको मिटा देते हैं, अब अंतिम पंक्ति को देखते हैं, तो ए थ्री वन निकालते हैं, ए थ्री वन तो एक बटे दो तीन, ये तीन आएगा, आई का मान तीन और जे का मान एक, एक बटे दो तीन त्रिकाई नौ प्लस एक, तो नौ में एक गया माइनस एट, माइनस एट मॉड होने कारण प्लस एट, दो एक कम दो चौके आठ। ए थ्री टू ज्ञात करते हैं आप, एक बटे दो माइनस तीन गुणे तीन प्लस दो,
तो हो जाएगा एक बटे दो तीन त्रिकाई नौ प्लस दो, तो नौ में दो गया सात, ठीक ना, माइनस सात, अब मॉड में है बाहर निकलेगा तो प्लस सात, तो हो गया सात बटे दो। ए थ्री थ्री निकालते हैं, एक बटे दो माइनस तीन गुणे तीन प्लस तीन, एक बटे दो तीन त्रिकाई नौ प्लस तीन, तो इसको हल करेंगे तो नौ में तीन गया छः, छः और ये माइनस में तो मॉड है तो प्लस सिक्स हो जाएगा, तो छः दो एक कम दो तिहाई छः, तो बराबर तीन आया। इसी प्रकार ए थ्री फोर ज्ञात करते हैं, एक बटे दो माइनस तीन गुणे तीन प्लस चार बराबर एक बटे दो तीन त्रिकाई नौ प्लस चार, ठीक ना, नौ में चार गया पाँच माइनस पाँच, अब मॉड है तो प्लस फाइव, तो हो गया पाँच बटे दो। तो ये हो गए, इसको यहाँ लिख लेते हैं, ये हो गया चार, ये हो गया सात बटे दो, तीन और ये पाँच बटे दो का ये दूसरा क्वेश्चन। ए आई जे बराबर टू आई माइनस जे, इसको हल करते हैं। अब इस पर ए वन वन निकालना है, ए वन वन बराबर, इस पर कहीं कोई मॉड नहीं है, हाँ मॉड नहीं है, ये हो जाएगा दो गुणे एक माइनस एक, तो हो जाएगा दो एक कम दो, है ना, दो में एक गया एक, ए वन टू दो गुणे एक माइनस दो, दो एक कम दो, दो में दो गया शून्य, ए वन थ्री तो दो गुणे वन माइनस तीन, दो एक कम दो, दो में तीन गया माइनस वन, ए वन फोर बराबर, तो दो गुणे एक माइनस चार, देखिए दो एक कम दो माइनस चार, तो दो में चार गया माइनस दो, ठीक ना, यहाँ अवयव बना लेते हैं, इसको जो अवयव मिलता जा रहा है उसको लिखते चलेंगे, वन शून्य माइनस एक और दो। इसी प्रकार आप ए टू वन निकालते हैं, ए टू वन, ए टू वन रखेंगे दो गुणे दो माइनस एक, तो दो दूनी चार, चार में एक गया तीन, ए टू टू दो गुणे दो माइनस दो, दो दूनी चार, चार में दो गया दो, ए टू थ्री दो गुणे दो माइनस तीन, दो दूनी चार, चार में तीन गया एक, ए टू फोर बराबर दो गुणे दो माइनस चार, दो दूनी चार, चार में चार गया शून्य हो गया, तो ये भी प्राप्त हो गया, तो लिखेंगे तीन दो एक शून्य। अब ए थ्री वन निकालते हैं, ए थ्री वन बराबर दो गुणे तीन माइनस एक, तीन दूनी छः, छः में एक गया, ए थ्री टू, ए थ्री टू में है दो गुणे तीन माइनस दो, तीन दूनी छः, छः में दो गया चार, ए थ्री थ्री दो गुणे तीन माइनस तीन, तीन दूनी छः, छः में तीन गया तीन, ए थ्री फोर बराबर दो गुणे तीन माइनस चार, तीन दूनी छः, छः में चार गया दो, या पाँच चार तीन दो, तो ये भी हो गया, इसका आंसर मिला लेते हैं, ठीक ना, ये माइनस टू था, ये माइनस टू है यहाँ पर, ठीक ना, माइनस टू तीन दो एक शून्य पाँच चार तीन दो, ठीक ना, ये हो गया। तो प्रश्न नंबर छः देखते हैं, मैं पहला एक अवयव दिया है चार तीन एक्स पाँच बराबर वाई जेड एक पाँच, ठीक ना, इसमें बोलता है कि ये देखिए दो अवयव बराबर हैं, ठीक ना, तो ये दोनों अवयव अगर बराबर हैं तो इनके संगत अवयव भी बराबर होंगे, तो संगत का मतलब
ये 4 इस y के बराबर होगा, ये 3 z के बराबर, और ये x 1 के बराबर, और ये 5 5 के बराबर है। तो लिखेंगे चूंकि दोनों आव्यूह बराबर हैं इसलिए इनके संगत अवयव भी बराबर होंगे, ठीक ना। तो इसलिए हो गया y बराबर 4, z बराबर 3 और x बराबर 1, तो ये मान ज्ञात हो गया। इसी तरह क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखिए क्या है, सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। लिखा है x प्लस वाई 2, y प्लस जेड एक्स वाई बराबर 6, 2, 5, 8, ठीक ना। एक्स वाई 2, 6, 2, 5, 8, ठीक ना। एक बार प्रश्न लिखने के बाद एक बार जरूर मिलाया करिए। देखिए यहाँ भी लिखते हैं चूंकि दोनों आव्यूह बराबर हैं अतः इनके संगत अवयव भी बराबर होंगे, ठीक ना। तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस वाई बराबर 6, तो लिखेंगे x प्लस वाई बराबर 6, समीकरण 1 डाल लेते हैं। ये हो गया 5 प्लस जेड बराबर 5 और x गुणे वाई बराबर 8। पहले तो इससे हम ज्ञात ही कर लेंगे, जेड का ही मान ज्ञात हो जाएगा, जेड बराबर 5 माइनस 5 बराबर 0, ये तो मान ही ज्ञात हो गया, ठीक ना। अब इनका मान ज्ञात कर लेते हैं। अब इससे मान निकालकर इसमें मान रख देंगे, ठीक ना। तो ये हो गया, देखें समीकरण 1 से लिख लेते हैं, समीकरण 1 से तो जाएगा y बराबर 6 माइनस एक्स, ठीक ना। इससे होगा, इसको इधर पक्षांतर कर दिया तो ये आ गया, इस y का मान यहाँ रख देंगे समीकरण 3 में रख देंगे, तो यहाँ रखेंगे तो कितना आ जाएगा, x ये हो जाएगा 6 माइनस एक्स बराबर 8, तो होगा 6x और इसका गुणा इसमें करेंगे और इसका गुणा इसमें करेंगे, ठीक ना। देखिए एक बार फिर बता देते हैं, इसका इससे तुलना किया तो x प्लस वाई बराबर 6 आया, ये 2 तो है ही, जेड 5 प्लस जेड बराबर 5 और x y बराबर 8, ठीक ना। तो इससे तो z का मान ज्ञात हो गया, अब इससे x प्लस वाई बराबर 6 को इससे इस y का मान ज्ञात किया गया है, तो ये क्या, इसको इधर पक्षांतर कर दिया तो 6 माइनस एक्स आ गया। इस y का मान 6 माइनस एक्स समीकरण 3 में रखे हैं, तो देखिए y का स्थान पर 6 माइनस एक्स रख दिया। अब इसका गुणा इसमें किया तो 6x, इसका गुणा इसमें किया तो माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 8। अब इसमें वर्ग समीकरण बन रहा है तो इसको करते हैं उधर पक्षांतर करेंगे। देखिए एक्स स्क्वायर, फिर इसको उधर पक्षांतर किया तो माइनस 6x और इधर ये 8 है ही, ये बराबर यहाँ 0, कुछ नहीं बचा। इसको उधर पक्षांतर किया तो प्लस में आ गया, इसको उधर पक्षांतर किया तो माइनस 6x आ गया और ये प्लस 8 हो गया। तो ये हो गया वर्ग समीकरण बन गया, इसको हल कर लेते हैं तो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 बराबर 0। तो इसका ऐसा गुणनखंड कर लेते हैं इस 8 को, ये हो गया 4 × 8, मतलब 4 और 2 को जोड़ेंगे तो 6 आ जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x प्लस 8 बराबर 0, ठीक ना। अब ये दो पद इधर के इधर से इनका उभयनिष्ठ ले लेते हैं तो इनमें x उभयनिष्ठ है तो हो गया x माइनस 4 और यहाँ पर माइनस ले लिया
और इनमें उभयनिष्ठ दो का है तो दो ले लिया, यहाँ बचा यक्स, और चूंकि यहाँ माइनस कॉमन लिया है तो प्लस चिन्ह माइनस में हो जाएगा, तो माइनस और दो चौक आठ, ठीक ना। अब दोनों कोष्टक में सेम चीज आ गया तो इसको एक बार लिख लेते हैं और ये जो किनारे बचे उसको लिख लेते हैं, यक्स माइनस टू बराबर जीरो। तो यहाँ लिखते हैं यदि यक्स माइनस फोर बराबर जीरो या यक्स माइनस टू बराबर जीरो, तो इससे यक्स के दो मान ज्ञात हो जाएंगे, तो यक्स बराबर फोर या यक्स बराबर टू। तो अब इन दोनों का यहाँ से इसके बाद यहाँ लिख देते हैं, ठीक ना। तो लिखेंगे यक्स बराबर चार समीकरण, किसी भी समीकरण में रख लेते हैं, इसमें रख लेते हैं, समीकरण एक में रखने पर तो ये आएगा, ये है समीकरण यक्स प्लस वाई बराबर छः। तो यहाँ चार रखेंगे तो वाई का मान कितना जाएगा, ये दो आ गया, ठीक ना। इसी प्रकार यक्स बराबर दो रखने पर, दो यक्स कम यक्स बराबर दो समीकरण एक में रखने पर तो रखेंगे यक्स प्लस वाई बराबर छः, तो यहाँ दो रख देंगे, वाई का मान आ जाएगा छः माइनस दो बराबर चार। तो वाई तो क्या क्या आ गया, अतः इसके बाद यहाँ लिख देते हैं देखिए, ठीक ना। अतः जेड बराबर जीरो और यक्स बराबर चार, ऐसे फिर से लिखते हैं, देखिए यहाँ से लिखते हैं, अतः यक्स बराबर चार, वाई बराबर दो और जेड बराबर जीरो, एवं एक और भी बनेगा यक्स बराबर दो, वाई बराबर चार और जेड बराबर जीरो, तो ये दो आंसर आएंगे, ठीक ना। एक और क्वेश्चन है उसको भी कर लेते हैं, प्रश्न नंबर तीन, ठीक ना। एक्स प्लस वाई प्लस जेड और यक्स प्लस जेड और वाई प्लस जेड बराबर नौ पाँच सात, तो ये नौ पाँच सात हो गया। इसमें भी ये लिखेंगे चूंकि दोनों आव्यूह बराबर हैं अतः दोनों के संगत अव्यव बराबर होंगे, ठीक ना। तो ये बराबर ये बराबर ये और ये बराबर ये हो जाएगा, तो लिखेंगे x प्लस वाई प्लस जेड बराबर नौ, समीकरण एक, x प्लस जेड बराबर पाँच समीकरण दो, y प्लस जेड बराबर सात समीकरण तीन। इन्हीं तीन समीकरण को हल करेंगे और इसमें x, y, z का मान ज्ञात करना है। देखिए समीकरण एक में अगर y प्लस जेड का मान यहाँ रख दिया जाए तो x का मान ज्ञात हो जाएगा, ठीक ना। तो देखिए y प्लस जेड बराबर सात, समीकरण एक में रखने पर, ठीक ना। तो देखिए ये रहा समीकरण, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर नौ लिखा है, तो ये y प्लस जेड के स्थान पर, ये y प्लस जेड के स्थान पर सात रख दें तो x का मान ज्ञात हो जाएगा, तो लिखेंगे x प्लस सेवन बराबर नाइन, तो ये हो गया नौ माइनस सात बराबर ये दो हो गया, तो x का मान आ गया, और x का मान आ गया तो यहाँ रख देंगे तो z का भी मान हो जाएगा, तो लिख देते हैं x बराबर दो समीकरण दो में रखने पर, तो यहाँ रख देंगे x प्लस जेड बराबर पाँच, दो प्लस जेड बराबर पाँच, तो हो गया पाँच माइनस दो, है ना, तीन,
तो जेड का मान आ गया, जेड का मान इसमें रख देंगे तो वाई का भी मान आ जाएगा। तो लिखेंगे जेड बराबर तीन, समीकरण तीन में रखने पर, तो रखेंगे ये जाएगा वाई प्लस जेड बराबर सात, वाई प्लस थ्री बराबर सात, तो वाई बराबर सात माइनस तीन, वाई बराबर ये चार। तो देखिए इसके आंसर आ गए, यहाँ लिख देते हैं, अतः यक्स बराबर दो, वाई बराबर चार और जेड बराबर तीन, ये प्रश्न के उत्तर आ गए। तो यहाँ तक हमने देखा, अब इसके आगे का भाग अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।